मूवी की स्टार्ट में एक पोलर बियर को दिखाते हैं, जिसका शिकार करने के लिए वहां पर कुछ लोग खड़े हुए थे और उनमें से एक आदमी पोलर बियर पर शूट कर देता है। पहले एक मिनट के लिए तो लगता है कि उस फायर का बियर पर कुछ असर नहीं हुआ और वो बियर उन पर अटैक करने लगता है, जिससे वो सारे डर कर पीछे हो जाते हैं। अब बियर अटैक करने वाला ही था कि वो गिर कर मर जाता है। यहाँ पर बियर के साथ उस एनिमल को भी देखते हैं, जिसे वो खा रहा था, और फिर बियर को उठाकर अपने रिसर्च लैब में ले आते हैं। सीन एक यूनिवर्सिटी में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो रिसर्च के लिए रिसर्च लैब जा रहे थे। हम एक लड़की को देखते हैं, वो लड़की एवेलिन है, जो डॉक्टर क्रिपन की बेटी, और डॉक्टर क्रिपन इस मूवी में किसी वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं। डॉक्टर क्रिपन उसे अपने पास बुलाने पर अग्री कर रहे थे, पर वो नहीं मानती क्योंकि वो बहुत ज्यादा नाराज थी, और क्रिपन उसे कहते हैं कि उसकी मदर के सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देंगे, तब वो मान जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर क्रिपन के साथी उसे बताते हैं कि वो बियर मर गया है। ये सब वही लोग थे जिनको मूवी के स्टार्ट में दिखाया है। इसी के साथ मूवी में दो दिन गुजर जाते हैं, पर हम देखते हैं कि डॉक्टर क्रिपन किसी से कॉल पर बात कर रहे थे। उस आदमी का नाम बार था। डॉक्टर उसे कहते हैं कि उनकी बेटी और स्टूडेंट्स को यहाँ आने से रोक दिया जाए, लेकिन डॉक्टर क्रिपन की बेटी ये बात नहीं मानती, और वो सभी लोग हेलीकॉप्टर के जरिए रिसर्च लैब पहुँचते हैं। और हम रिसर्च लैब में लोगों को भी देखते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अब वो लोग लैब पहुँच जाते हैं, लेकिन लैब में बहुत ज्यादा अंधेरा था क्योंकि उस लैब का एनर्जी सोर्स सिर्फ जनरेटर था। यहाँ डॉक्टर की बेटी और उसका साथी अंधेरे में ही रिसर्च फैसिलिटी को देखते हैं। तभी अचानक वो ऐसे कमरे में आते हैं जहाँ कहीं ज्यादा स्मेल आ रही थी। उसी टाइम लाइट ऑन होने पर वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा पोलर बियर है। ये वही पोलर बियर है जिसे डॉक्टर क्रिपन अपने साथ यहाँ लाए थे। तभी वहाँ पर बार्ट आता है और बियर को देखकर एटम को कहता है कि मेरी इसके साथ एक फोटो क्लिक करो, पर जैसे ही वो अपना हाथ उस पर रखता है तो उसे लगता है कि किसी इंसेक्ट ने उसे काट लिया है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एवेलिन अपने फादर को कॉल करती है, जहाँ पर वो उसे डांट देते हैं क्योंकि उसे मना करने के बावजूद यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, और अब वो उन्हें रिसर्च फैसिलिटी में रुकने को कहती है। उसके बाद मूवी में कुछ अजीब होता है, तभी क्रिपन की फीमेल साथी क्रिपन और उसके साथी को शूट करती है। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहां एक स्टूडेंट अजीब से इंसेक्ट को देखता है। वो स्टूडेंट इन इंसेक्ट्स को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने रूम को शिफ्ट कर लेता है, लेकिन उसकी फेलो वही पर रहती है। फिर एवेलिन की आँख खुलने पर वो देखती है कि वहाँ पर कोई आ रहा है, और जैसे ही वो वहाँ जाती है तो डॉक्टर क्रिपन की फीमेल साथी को देखती है, और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। एवेलिन उसे लेकर रिसर्च फैसिलिटी में चली जाती है। तभी वहाँ पर फेलो आ जाती है जिसके पूरे बॉडी पर रैशेज थे। ये देखकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं, और तभी दूसरा स्टूडेंट उनको इंसेक्ट के बारे में भी बताता है। वो लड़का अभी भी काफी डरा हुआ था और एडवाइस देता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। इस सब के बाद वो लोग जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर में कुछ मिस्टेक की वजह से वो लोग नहीं जा पाते, और इसी सीन में हम देखते हैं कि वो इन्फेक्टेड लेडी मरने वाली थी, और साथ ही साथ उसके मुंह से कुछ अजीब सा ब्लड निकल रहा था। एवेलिन उसे बचाने की कोशिश करती है और बार्ट समझ जाता है कि ये बहुत बुरी इन्फेक्शन है, और वो रूम को सील कर देते हैं। और अब एवेलिन अपने फादर को ढूंढने के लिए निकलते हैं, और कुछ दूर जाने पर एक एनिमल को देखते हैं जिसे कुछ इंसेक्ट खा रहे थे, और उसके अंदर उस इंसेक्ट के एग भी थे। और इसी के साथ वहाँ पर वो एक डेड बॉडी भी देखते हैं जो डॉक्टर के साथी की थी, और वो दोनों रिसर्च लैब पहुँचते हैं तो उस लेडी की बॉडी पर ठीक वैसे ही इंसेक्ट के एग देखते हैं, और उसे देखकर परेशान हो जाते हैं। ये सब देखकर वहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और वो हेलीकॉप्टर को कॉल करते हैं ताकि वो इन्हें रेस्क्यू कर ले। और एवेलिन उस बियर को भी देखती है जिसके ऊपर उन्हें वैसे ही इंसेक्ट मिलते हैं। ये देखकर वो समझ जाती है कि सिचुएशन काफी क्रिटिकल है, और ये एक ऐसी इन्फेक्शन है जो पैंडेमिक की तरफ फैल सकती है। हेलीकॉप्टर को भी यहाँ आने से मना करती है, लेकिन उसका साथी स्टूडेंट ऐसा करने से उसे रोक देता है और रेडियो सिस्टम को शूट करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि हेलीकॉप्टर को रोक ना सके। तभी वो देखते हैं कि एक स्टूडेंट जो एवेलिन के साथ ही आई थी और उसकी बॉडी पर भी वैसे ही इंसेक्ट के एग थे,
से देखकर एवेलिन को अंदाजा हो जाता है कि वो लड़की भी इन्फेक्टेड है और वो बियर के पास जाते हैं जहां उन्होंने उस लेडी की बॉडी रखी थी और उस बॉडी में से इंसेक्ट निकलते हुए देखकर वो बहुत डर जाती है। इधर बार्ट के हाथ को इंसेक्ट ने काट लिया था जिससे कि वो इन्फेक्शन उसकी पूरी बॉडी में फैल रही थी, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इन्फेक्शन को रोकने के लिए अपना हाथ काट देगा। पहले तो एवेलिन इस बात पर नहीं मानते हैं, लेकिन उसकी जिद पर एवेलिन फर्स्ट एड का इंतजाम करती है और वो उसका हाथ काट देती है। उसके हाथ से बहुत तेजी से ब्लड निकल रहा था जिसे एवेलिन रोकने की कोशिश करती है और उसकी कटे हुए हाथ से बहुत सारे इंसेक्ट निकलने लगे। एटम उन्हें फायर से मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एवेलिन इंसेक्ट और इन्फेक्शन के बारे में रिसर्च कर रही थी और इसी दौरान उसे अपने फादर की डायरी मिलती है जिसमें पहले से ही उस इंसेक्टस और इन्फेक्शन के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन थी, जिससे हमें ये पता चलता है कि उसके फादर को इनके बारे में बहुत कुछ पता है। इसी सब को देखते हुए एवेलिन फैसला करती है कि वो उस लेडी के हाथ से अपने फादर का कैमरा लेकर आएगी, लेकिन वो सभी लोग उसे यह करने से मना करते हैं। लेकिन उसकी जिद पर वो लोग मान तो जाते हैं पर एक शर्त रखते हैं कि अगर उस पर एक भी इंसेक्ट आया तो वो उसे इस रूम से बाहर नहीं आने देंगे। और हम देखते हैं कि एवेलिन ने पूरी बॉडी को कवर कर लेती है और उस रूम में चली जाती है। जैसे ही वो कैमरा लेकर वहां से निकल रही थी तभी वो इंसेक्ट उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो बाहर आ जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी एक इंसेक्ट उसकी बॉडी में जाने ही वाला होता है, तभी एटम उसकी बॉडी से बाहर निकाल देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग डॉक्टर क्रिपन की वीडियो देख रहे थे, लेकिन उधर इतने में ही वहाँ एक इंसेक्ट आ जाते हैं। तभी वो लोग उस इंसेक्ट को देखते देखते लैब तक जाते हैं और वो देखते हैं कि बियर की पूरी बॉडी इंसेक्ट्स में डिकॉम्पोज हो गई है। दूसरी तरफ एवेलिन की फ्रेंड भी बाहर निकलने की रिक्वेस्ट कर रही थी और साथ ही साथ वो यह भी बताती है कि उनमें से एक फेलो इन्फेक्टेड है। लेकिन इससे पहले कि वो ये बताती तभी वो उसे शूट कर देता है और सबको लगता है कि उसने इसलिए शूट किया ताकि इंसेक्ट आगे ना बढ़े। और उसी सीन में हम देखते हैं कि बार्ट भी इन्फेक्टेड है और वो कहता है कि वो यहाँ पर रुकेगा और तुम तीनों यहाँ से चले जाओ। लेकिन वहाँ जाने से पहले एवेलिन कहती है कि वो अपना अपना टेस्ट करके यहाँ से जाएंगे और अगर कोई इन्फेक्टेड हुआ तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और इस बात पर उनके तीसरे फ्रेंड को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों को बताता है कि वो भी इन्फेक्टेड है और वो भी यहाँ से बाहर जरूर जाएगा। ये सुनकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं और उसे रोकते हुए पीछे जाते हैं, पर उसके पास गन होती है। एवेलिन और एटम उसे समझाते हैं कि वो अपने लिए पूरी दुनिया की जान कैसे खतरे में डाल सकता है, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और इस बात पर वो उनको शूट करने ही लगता है। तभी पीछे से डॉक्टर क्रिपन आकर उसे शूट कर देते हैं और डॉक्टर क्रिपन उन्हें बोलते हैं कि वो उस लैब को डिस्ट्रॉय कर दे। उससे पहले वो सोचते हैं कि वो उस वीडियो को पूरा देख ले और उन्हें पता चलता है कि उसके फादर भी इन्फेक्टेड है और उन्होंने खुद को इन्फेक्टेड करा है ताकि वो इस इन्फेक्शन के बारे में पता लगा सके और वो अपनी जान देकर वो दुनिया की जान बचा सके। और एवेलिन यह सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है और अपने फादर को बताती है कि यह दुनिया को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन डॉक्टर उनकी बात नहीं सुनते और उन्हें रिसर्च फैसिलिटी के अंदर बंद कर देते हैं और वहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाती है और डॉक्टर उसमें बैठकर जाने लगते हैं और एवेलिन और एटम उस फैसिलिटी से बाहर आ जाते हैं और गन से हेलीकॉप्टर को शूट करते हैं जिससे हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है और हेलीकॉप्टर फैसिलिटी के ऊपर डिस्ट्रॉय हो जाता है जिससे रिसर्च फैसिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन ब्लास्ट में एटम भी मर जाता है और एवेलिन उसे देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है। और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है।